शुरुआत के अंदर अगर आप किसान हैं तो आप अपने यहाँ जो खेत है उस खेत की आप गहरी जुताई करें, यानी कि बहुत ही शानदार जुताई करें कि ताकि जो जो बाजरे की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जा सके और बाजरों को एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिल सके। किसान ने अपने यहाँ छिड़काव विधि के माध्यम से अपने यहाँ ये जो बाजरा का जो बीज है वो लगाया है। तो किसान भाइयों, गहरी जुताई करने के बाद में यहाँ किसान ने एक बुद्धिमानी का काम किया जो कि अधिकतर मैंने बाजरे की खेत के अंदर नहीं देखा है, और इसी किसान ने उसको अपनाया है और उसी चीज को मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। तरीके से जो सिक्के की जो लंबाई थी बहुत ही शानदार सिक्के की लंबाई रही, और जो बाजरे की लंबाई है मैं फीता लेकर के आया था उस समय, और मुझे पूरी तरीके से पता है कि वो जो 9 से 11 फीट तक की भी उसकी लंबाई गई है। इस बीज को अपनाने के बाद में मुझे ये लगता है कि जो चारे की मात्रा है, चारे की मात्रा बहुत ही शानदार होगी, शानदार होगी, बंपर चारा होगा इसका। अच्छा, इसकी पैदावार कितनी रही पिछली बार आपने जब लगाया पैदावार? किसान भाइयों, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से हमारे खेतीबाड़ी के YouTube चैनल CH नोगिया पावर पर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं देखिए इस बाजरे के खेत के अंदर आया हूं और बाजरा भी इतना शानदार, ये अभी देखिए ये एक महीने का बाजरा है और इसकी आप लोग क्वालिटी देखिए, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ग्रीनरी है, इसका जो हरापन है वो देखिए आप कितना शानदार है। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर टोटली इस बाजरा की जो खासियत रही है, ये कौन सा बीज है और किस तरीके से किसान ने अपने यहाँ ये बाजरा लगाया है, बिजाई के समय किन किन बातों का ध्यान रखा है, उन तमाम प्रश्नों की मैं जानकारी इसके अंदर देने वाला हूँ। और आज ये जो बाजरा इतना शानदार है, इस शानदार बाजरे के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। अगर किसान भाइयों आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल CH नोगिया जो कि खेतीबाड़ी का है, पूरी तरीके से इसको हम खेतीबाड़ी की जो चीजें हैं, खेतीबाड़ी को लेकर के जो अच्छे किसान हैं उनको हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल CH नोगिया पावर को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर इसे आप शेयर करें कि ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे लेकर के चलता हूं। सबसे पहले तो ये बीज कौन सा है, बीज को लेकर के आपको मैं बता देता हूं। किसान भाइयों, ये जो बीज है ये एग्रो स्टार पर मिलने वाला एकमात्र एसेंट बीज है जो कि बहुत ही शानदार पैदावार देता है। जी हाँ किसान भाइयों, ये एग्रो स्टार का बीज है, बाजरे का बीज है और इस बीज का नाम है एसेंट। और उस किसान से भी मैं बात करूंगा जिसने अपने यहाँ खेत के अंदर ये बाजरा लगाया है। और जैसा कि मैंने किसान से पूछा कि उन्होंने एग्रो स्टार से ये ऑनलाइन परचेज किया है और इसकी आप लोग ऊंचाई देख सकते हैं, इसकी जो ग्रीनरी है आप ग्रीनरी भी इसकी देख सकती, बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रीनरी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैंने जो किसान से बात की और किसान से बात करने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और वही निष्कर्ष सार रूप में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप भी बाजरे की किसान हैं और आप भी अपनी यहाँ बाजरा पैदा करते हैं तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीज का जो चयन है वो शानदार जो बीज है उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। आप ब्रांडेड बीज ही काम में लें। ब्रांडेड का मतलब हो गया कि आप श्रीराम का भी ले सकते हैं और एग्रो स्टार का भी ले सकते हैं। यहाँ जो किसान ने अपने यहाँ बाजरा लगाया ये एग्रो स्टार का एसेंट बीज है और इसकी जो बिजाई है किसान भाइयों, ये जो पूरा जो बाजरा है ये 6 बीघे के अंदर इन्होंने किया है, लगभग 1 हेक्टेयर के अंदर किया। तो किसान भाइयों, शुरुआत के अंदर अगर आप किसान हैं तो आप अपने यहाँ जो खेत है उस खेत की आप गहरी जुताई करें, यानी कि बहुत ही शानदार जुताई करें कि ताकि जो जो बाजरे की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जा सके और बाजरों को एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिल सके। किसान ने अपने यहाँ छिड़काव विधि के माध्यम से अपने यहाँ ये जो बाजरा का जो बीज है वो लगाया है। बाजरा बहुत ही पास पास के अंदर है, यानी कि इन्होंने बीज ज्यादा लगाया है। तो किसान भाइयों, गहरी जुताई करने के बाद में यहाँ किसान ने एक बुद्धिमानी का काम किया जो कि अधिकतर मैंने बाजरे की खेत के अंदर नहीं देखा है, और इसी किसान ने उसको अपनाया है और उसी चीज को मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। जी हाँ किसान भाइयों, यहाँ जैसे ही तवी लगाई है, तवी लगाने के बाद में छिड़काव विधि से जो बाजरा काम में लिया, बाजरे का बीज जो काम में लिया है उसके साथ में यहाँ इन्होंने 6 बीघा जो जमीन है, इस 6 बीघा जमीन के अंदर 1 कट्टा DAP का काम में लिया है। हाँ किसान भाइयों, अगर आप भी अपने यहाँ इस तरीके का बाजरा लगाते हैं तो बिजाई के साथ में ही 1 कट्टा DAP ले लीजिए और DAP के साथ में अपना जो बीज है उस बीज को मिक्स करके फिर आप छिड़काव विधि से इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद में उसके ऊपर उन्होंने रोटावेटर चलाया, यानी कि ताकि कि जो बीज है, जो DAP है, पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। और ये जो बाजरा है, ये बाजरा
पिछले इन्होंने 3 जुलाई को ये बाजरा अपने खेत के अंदर लगाया और अभी ये 3 अगस्त आज का दिन हो गया, यानी कि ठीक 1 महीने के बाद की ये आप जो बाजरे की जो ग्रोथ है वो आप लोग देख लीजिए। इसकी जो ग्रीनरी है इतनी शानदार ग्रीनरी है और इतनी शानदार इसकी बढ़वार है, 1 महीने की जो बढ़वार है बहुत ही बढ़िया बढ़वार है। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आने पर आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और किसान भाइयों अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब पहले कर लें, नहीं तो आप भूल जाओगे। और किसान भाइयों आपको ये बता दें कि अभी 30 दिन हुए हैं और आज से 5 दिन पहले इन्होंने मात्र केवल यूरिया का केवल आधा कट्टा 6 बीघा जमीन के अंदर हल्का सा इन्होंने इसके अंदर डाला है और ये उसी की उपज है, ये आप लोग देख लीजिए। अगली बार अगर किसान भाइयों आप लगाएं तो एक ब्रांडेड कंपनी का आप बीज काम में लें, दूसरा लगाते समय आप गहरी जुताई करें, तीसरा आप बीज के साथ में डीएपी जो कि इन्होंने 1 हेक्टर के अंदर 1 कट्टा काम में लिया है तो आप भी इसी मात्रा के अंदर डीएपी काम में लें और फिर देखना कि आपके यहाँ जो पैदावार होती है कितनी बम्पर पैदावार होती है, कितनी शानदार पैदावार होती है। और ये उसकी ग्रीनरी देखिए कितनी शानदार, ये जो इसकी लीफ है एकदम चौड़ी है और बहुत ही स्वस्थ लीफ है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभ में बिजाई के समय जो खेत में डाली गई जो डीएपी है उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, दूसरा इन्होंने ब्रांडेड बीज भी काम में लिया है। और यही बीज इन्होंने क्यों काम में लिया उसके लिए मैं सीधा मैं किसान से मिलवाता हूँ, वो प्रगतिशील किसान है और अधिकतर मैंने काफी मेरे वीडियो के अंदर मैं इनसे आपको परिचित करवाता रहता हूँ क्योंकि ये पढ़े लिखे जागरूक और प्रगतिशील किसान है और किसानी को लेकर के बहुत ही ज्यादा ये जागरूक है और हर एक चीज को ये ऑनलाइन भी देखते रहते हैं और कई जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी ये परामर्श लेते रहते हैं और अपने यहाँ एक तरह से ये खेतीबाड़ी के अंदर ये उदाहरण बने हुए हैं। अभी आपको जो जिनसे मैं परिचय करवा रहा हूँ ये है प्रकाश जी कावा। सबसे पहले तो नमस्कार सर, आपने अपने यहाँ जो खेत के अंदर 6 बीघा जमीन के अंदर ये एसेंट बाजरा लगाया, तो एसेंट बाजरा की लगाने की रिकमेंड या लगाने के लिए किसने कहा आपको? ये सर मैं पहले दूसरी कंपनी को लगाता था, उसके बाद में मैंने एक बार ट्राई के लिए एसेंट लिया था। हाँ। उसका मेरे को रिजल्ट ऐसा लगा, उसके बाद में मैं यही लगाता हूँ 3-4 साल। अच्छा, 3 से 4 साल हो गए किसान भाइयों, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो बीज है इनके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप भी एग्रो स्टार का, ये एग्रो स्टार के एसेंट जो बीज है उसका हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, आपने जो पिछली बार भी एसेंट लगाया तो उसकी जो बाजरे की जो हाइट है वो हाइट कितनी रही होगी? 7 से 8 फीट तक हाइट रही थी, 1 फीट का सीटा आया जी। और किसान भाइयों उस पिछले वाले बाजरे के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि हमारे इसी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा है, अगर आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर में जो पिछला एसेंट एग्रो स्टार के एसेंट के ऊपर इन्हीं किसान का ही मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो के मैं लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाकर के वो पिछली जो पैदावार है वो पैदावार पर बना हुआ जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिट्टे की जो लंबाई थी बहुत ही शानदार सिट्टे की लंबाई रही और जो बाजरे की लंबाई है, मैं फीता लेकर के आया था उस समय और मुझे पूरी तरीके से पता है कि वो जो 9 से 11 फीट तक की भी उसकी लंबाई गई है, यानी कि कहीं कहीं 11 फीट तक भी लंबाई गई है तो कहीं कहीं 7 से 8 फीट तक की उसकी लंबाई थी और कल्ले भी उसके अंदर कहीं ना कहीं पर्याप्त थे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इस बीज को अपनाने के बाद में मुझे ये लगता है कि जो चारे की मात्रा है, चारे की मात्रा बहुत ही शानदार होगी, शानदार होगी, बम्पर चारा होगा इसका। अच्छा, इसकी पैदावार कितनी रही पिछली बार आपने जब लगाया, पैदावार को लेकर के? पिछली बार मैंने 1 बीघा में लगाया था जी, 1 बीघा ही लगाया, 4 किलो बीज काम में लिया था, 12 क्विंटल। अच्छा, 4 किलो बीज इन्होंने काम में लिया और 1 बीघा के अंदर लगाया और पैदावार कितनी हुई? 12 क्विंटल हुई, पिछली बार मैंने थोड़ा लेट लगाया था। अच्छा, लेट भी लगाया था और 12 क्विंटल पैदावार हुआ था। अब ये 12 क्विंटल पैदावार हुई, इस बार इन्होंने 6 बीघा में लगाया, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों ये देख लीजिए कि चारा भी इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ अगर बढ़िया है अगर बाजरे की तो मान के चलिए कि पशुओं को खाने के लिए चारा भी बम्पर मात्रा में होगा और दूसरा जो सिट्टे की लंबाई है वो भी शानदार रही इनकी और उपज तो आप लोगों को बता ही दिया। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों बीज को लेकर के किसान भी आश्वस्त है और मुझे भी ये लगता है कि हाँ ये बीज बहुत ही शानदार है। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई जानकारी लेकर के आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।